नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता, वाइट पास्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पास्ता लिया है, ये मैंने 4 कटोरी पास्ता लिया था। बच्चों का फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सबको अच्छा लगता है पास्ता खाने में, अच्छा लगता है। तो चलिए पास्ता बनाते हैं। आज ब्रेकफास्ट में कैसे पास्ता बनता है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी रखा था और पास्ता मैं पका रही हूँ। पास्ता पकने में मुझे 5 मिनट लगा है। पास्ता हमारा पक चुका है। अब इसको हम छन्नी से हम इसको निकाल लेते हैं पास्ता को। इस तरीके से प्लेट में मैं रख ले रही हूँ पास्ता को। सारे पास्ता को छान छान के मैं इसी तरीके से निकाल ले रही हूँ। पानी अच्छी तरह से जल चुका है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाला है। और इसमें हम सब्जी काट कर जो मैंने रखा है उसको हम पकाएंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। शिमला मिर्च 1 पूरा कटा हुआ था। इसमें 2-3 मैंने हरी मिर्च भी कट करके मैंने इसमें डाला है। आपके पास जो भी सब्जी हो वो उसमें डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। नहीं है तो ऐसे भी आप पास्ता बना सकते हैं। ये मैंने पत्ता गोभी डाला है, कुछ गोभी भी मैंने कट करके इसमें डाला है। जो भी मेरे पास वेजिटेबल था वो इसमें हम डाल देते हैं। ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। और सब्जी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कम पकाएंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से लगातार चलाते जाएंगे सब्जी को, इस तरीके से चलाते जाएंगे। ये मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। 1 चम्मच में इसमें घी डाली हूँ और अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर ले रही हूँ। पास्ता सॉस बना रही हूँ मैं, तो इसमें मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ। तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच इसमें मैदा मैं डाल रही हूँ। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये कलर थोड़ा हल्का कलर चेंज ना हो जाए पास्ता सॉस का। सॉस मैं बना रही हूँ। आपके पास बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं। बटर नहीं तो आप देसी घी भी डाल के आप बना सकते हैं। एक्चुअली ये 2 ही चीज़ से इसका सॉस बनता है, वाइट सॉस जो पास्ता में डलती है। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए पास्ता का कलर, पास्ता का सॉस का कलर चेंज होते जा रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसको हम लगातार चलाते जा रहे हैं। अब गैस को मैंने लो फ्लेम पर रखा है। हाई पर रखेंगे या मीडियम में तो जल जाएगा, तो इसलिए मैंने लो पर रखा है जिससे अच्छी तरीके से कलर चेंज हो जाए मैदे का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लगातार हम इसको चलाते जाएंगे। ये सब्जी भी इधर मैं पका रही हूँ। तो सब्जी हमारा पक चुका है, आधा पूरा नहीं पकाना है, अर्ध कच्चा सब्जी रंधी से खाने में टेस्टी लगता है, बढ़िया लगता है। तो सब्जी भी हमारा इधर पक रहा है और गैस में सब्जी का बंद कर दिया है। और इधर सॉस में बना रही हूँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे हल्का हल्का डाल के दूध। इसमें चलाते जा रहे जिससे गुठली ना आए, नहीं गुठली आएगी तो अच्छी तरह से सॉस नहीं बन पाएगी पास्ता का। तो इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, फुल क्रीम दूध। लगातार इसमें दूध डालते, इसमें 2 गिलास मैंने दूध डाल दिया है फुल क्रीम। आपके पास कोई दूध नॉर्मल भी दूध है तो दूध से आप डाल कर बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं दूध डाल कर अच्छी तरीके से इस तरीके से ये चला दे रही हूँ जिससे गुठली नहीं बनेगा, इसलिए इस तरीके से मैं चलाते जा रही हूँ। गुठली चलाते जा रही हूँ लगातार इस तरीके से चलाते जिससे गुठली लम से ना रहे। गैस को लो फ्लेम तेज पर के तो जल्दी जम जाएगा। इस तरीके से देखिए मैं लगातार चलाते जा रही हूँ। कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च डालेंगे पाउडर,
काली मिर्च ये छोटा चम्मच डाल दिया इसमें, और नमक डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से नमक डाल सकते हैं, आप कितना पसंद करते हैं। और लगातार इसको चलाते जाएंगे जिससे इसका जो देखिए गुठली जैसा बन रहा है ना, तो गैस को लो रखा है तब भी देखिए गाढ़ा होते जा रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए मैं लगातार इसको चलाते जा रही हूँ कि इसको टाइम ना मिले गाढ़ा होने के लिए, रुके ना, ना तो कढ़ाई में ये चिपक जाएगा। तो ये पेस्ट बन गया है, पास्ता सॉस बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम वेजिटेबल जो मैंने बना कर रखा था वो इसके अंदर हम सॉस के अंदर डाल रहे हैं, और जो पास्ता मैंने बॉईल करके रखा था वो भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये देखिए सारे पास्ता को हम डाल देते हैं इसके अंदर, और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर कितना बढ़िया लग रहा है ग्रीन। आपके पास गाजर भी है और मटर भी है, जो भी सब्जी है वो आप इसमें डाल सकते हैं, बस एक भिंडी के छोड़ के बाकी सारे सब्जी इसमें डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, और इसी बहाने बच्चे सब्जी खा भी लेते हैं। हरा सब्जी बच्चे खाना नहीं पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से डाल के सारे सब्जी बनेंगे तो बच्चों को प्रोटीन भी सारा मिल जाएगा और बच्चे खा भी लेंगे। तो ये मैंने चिली फ्लेक्स घर में बनाया है खुद, मैंने चिली मिर्ची सूखी कढ़ाई में भून लिया था और क्रश कर लिया था और इसमें डाल दिया कि थोड़ा टेस्टी हो जाए। आपको नहीं डालना है चिली फ्लेक्स तो मत डालिएगा, मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ये देखिए पास्ता हमारा बनकर तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी सुंदर लग रहा है दिखने में भी, और इसको अच्छी तरीके से हम लगातार चलाते जाएंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी देखिए पास्ता हमारा बनकर तैयार है, तो बच्चों का तो फेवरेट होता ही है, सबका फेवरेट। सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट मैंने यही बनाया था आज, तो आप इस तरह बनाइए और खाइए, बहुत ईजी है, घरों की चीज़ों से मैंने बनाकर इसे तैयार किया है। खाइए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो पक्का लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले।